आप लोगों ने क्रिया के दो वीडियो देखी, उससे पहले वाला वीडियो ये है, पढ़िए और समझिए। हम लोग देखते हैं इसको, बच्चे खेल रहे हैं, किसान खेत जोत रहा है और हाथी जा रहा है। ये एक वाक्य है जिसमें क्रिया होते हुए दिख रही है। देखिए, आप बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, किसान खेत जोतता हुआ दिख रहा है और हाथी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर लिखे गए वाक्य कार्य के होने की सूचना दे रहे हैं। बच्चे तो खेलते हुए दिख रहे हैं, किसान हल जोतते हुए दिख रहे हैं और हाथी जाता हुआ दिख रहा है। कार्य होने की इस अवस्था या प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया कहते हैं। कार्य होने की इस अवस्था या प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिया कहते हैं। अतः वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है बच्चों, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के होने की क्रिया विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें संज्ञा लिंग, जिनमें लिंग वचन पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तन होता है वो विकारी होते हैं। अविकारी होते हैं अपरिवर्तनशील। तो संज्ञा क्या है? विकारी शब्द। संज्ञा में परिवर्तन होता है अर्थात उसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। क्रिया के होने की प्रक्रिया के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है? होने के आधार पर ये दो प्रकार की है। एक तो कार्यवाही यानी किए जाने वाले कार्य और दूसरा है अस्तित्ववाची यानी अपने आप होने वाले कार्य। दो तरह की है, एक तो कार्यवाही यानी किए जाने वाले कार्य और दूसरा है अस्तित्ववाची यानी अपने आप होने वाले कार्य। उदाहरण जैसे देखिए आप लोग, आज मैं दिन भर सोता रहा है। आज मैं दिन भर सोता रहा है यानी ये तो किए जाने वाले कार्य है। दूसरा है सूर्य पूर्व से निकल रहा है। सूर्य पूर्व से निकल रहा है वो अस्तित्ववाची है। सूर्य पूर्व से निकल रहा है अस्तित्ववाची क्रिया है। अब है क्रिया के धातु। धातु क्रिया के मूल रूप होते हैं। धातु क्या होते हैं? क्रिया के मूल रूप होते हैं, ठीक है ना। धातु क्रिया के मूल रूप होते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है तो पढ़ उसका मूल रूप होगा यानी धातु क्या होगी उसकी? पढ़। उसकी क्या होगी धातु? पढ़। अगर पढ़ना मूल क्रिया है तो पढ़ उसकी धातु मूल रूप होगी। क्रिया के धातु रूप में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन क्रिया रूप में ही होता है। मूल धातु रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन किस में होता है? जो क्रिया होती है उसमें होता है। जैसे मूल रूप धातु तो होगा रो और उसका बन जाएगा क्रियापद रोना, लिख लिखना, पढ़ पढ़ना, हंस हंसना, खा खाना, पी पीना। इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं जो उसके मूल रूप में परिवर्तन कर देती है वो तो होगी क्रिया। और अगर जो मूल रूप में परिवर्तन नहीं होगा वो होगी धातु मूल रूप या धातु क्रिया। हिंदी में जो धातु है उसके चार भेद हैं। धातु के हिंदी में धातु के चार भेद हैं, क्रिया के नहीं, धातु के हैं। सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु और मिश्र धातु। कितने भेद हैं बच्चों? चार भेद हैं। धातु के कितने भेद हैं? चार भेद हैं। सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु और मिश्र धातु। अब सामान्य धातु किसे कहते हैं? सामान्य धातु वे धातु है जो मूल धातु में, मूल धातु जो मूल मेन जो धातु होती है उसमें ना प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे गा ना गाना, खे देख ना देखना। अब देख मूल धातु है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो होगी सामान्य धातु। समझ में आ रही ना बच्चों? सामान्य धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर, मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर सामान्य धातु बनती है। मूल धातु होती है उसमें ना प्रत्यय अगर हम जोड़ देंगे तो उसमें वो सामान्य धातु कहलाएगी, ठीक है। दूसरा है व्युत्पन्न धातु। वे धातु जो सामान्य धातुओं में भिन्न भिन्न प्रत्यय लगाने से निर्मित होती हैं। वे धातु जो सामान्य धातु ही होती है ना उसमें भिन्न भिन्न प्रत्यय लगाएं तब निर्मित होती है। जैसे पढ़ का हमने पढ़ना बनाया था पहले सामान्य धातु, अब पढ़ना में भी हम प्रत्यय लगा दें, आ प्रत्यय लगा दें जैसे, तो पढ़ाना पढ़ाया। ऐसे सो का सोना बनाया था फिर सुलाना सुलाया, ठीक है ना। ये होगी व्युत्पन्न धातु। और तीसरा है नाम धातु। किसी की कार्य के नाम के पीछे प्रत्यय लगाकर बनाए गए शब्द नाम धातु कहलाते हैं। किसी भी कार्य के नाम के पीछे प्रत्यय लगाकर जो बनाए जाएँ वो नाम धातु कहलाते हैं। जैसे धमकी, धमकी एक शब्द है
तो उसके पीछे ना लगा के बनाया गया है या नाम लगा के बनाया गया है, धमकाना। धमकी से क्या बन जाएगा? धमकाना। शर्म से शर्माना, ये नाम धातु है। यानी किसी भी कार्य के नाम के पीछे प्रत्यय लगाकर जो बनाया जाए वो नाम धातु होते हैं। क्या होते हैं वो? नाम धातु। और अंत में है मिश्र धातु। मिश्र धातु वे होते हैं वे धातु जो संज्ञा विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद जुड़कर उनको क्रिया रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मिश्र धातु वे धातु जो संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद जुड़कर उनको क्रिया के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात संज्ञा या विशेषण, ठीक है ना, के पीछे क्रिया विशेषण शब्दों के बाद जुड़कर, संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण के शब्दों के पीछे जुड़ेंगे, ठीक है ना, और उनको क्रिया बना देंगे। जैसे बाहर जाना, बाहर जाना, बात बिगड़ना, बात बिगड़ना, सच्चा होना, सच्चा होना। इस तरह से ये धातु के भेद हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अगले वाले वीडियो में कि क्रिया के कितने भेद हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस दो वीडियो इसके क्रिया के भेदों का है, क्योंकि क्रिया पाठ बड़ा है इसलिए, और उसके पश्चात हम लोग इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। धन्यवाद बच्चों, आप इस पाठ को वापस पढ़ें, मैनुअल भी पढ़ें, आप खुद भी पढ़ें इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं आए तो इसके नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। सुप्रभात बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, किन किन आधार पर क्रिया को बांटा जाता है, क्रिया को कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। आज हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब देखिए बच्चों, क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कि यहाँ देखिए कर्म प्लस स, जैसे स परिवार तो परिवार के साथ, उसी तरह कर्मक तो कर्म के साथ। सकर्मक क्रिया का अर्थ है जिसमें कि कर्म भी हो, अर्थात कर्ता जो कार्य करता है उसका प्रभाव उसके कर्म पे पड़े, मतलब वो क्या कार्य कर रहा है उसका असर उसके कर्म पे पड़े, वह सकर्मक क्रिया होती है। अब जैसे इसके देखिए उदाहरण देखिए आप कि हिरण पानी पी रहा है, रुपेंद्र पुस्तक पढ़ रहा है। ये मैं आपको लिखकर भी बताती हूँ। जैसे देखिए हिरण पानी पी रहा है, यहाँ जो वाक्य में आप पहचानिए कर्ता क्या है, हमेशा वाक्य के शुरू में कर्ता रहता है, कर्ता हिरण है, और क्रिया क्या है, क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में रहती है, तो पी रहा है क्रिया है। अब हिरण जो काम कर रहा है, हिरण पीने का काम कर रहा है, पर वो पीने के काम का असर किस पे हो रहा है, पानी पे, तो ये पानी क्या है, कर्म है इसमें। अब कर्ता जो काम करता है उसका असर कर्म पे हो रहा हो, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ये हिरण क्या है, कर्ता, और कर्म पानी है, और ये क्रिया है। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, जिस क्रिया में कर्म हो अर्थात कर्ता जो कार्य कर रहा है उसका असर कर्म पे पड़े, वह सकर्मक क्रिया होती है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। कुछ क्रिया ऐसी होती है जो कि अपने आप होती है, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, बारिश हो रही है, राधा नाचती है। अब ये काम एक तो स्वतः होते हैं, दूसरा इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए देखिए राधा नाचती है, यहाँ देखिए इसमें देखिए कर्ता कौन है, राधा। अब वो क्या काम कर रही है, नाचती है, नाचने का काम कर रही है, तो ये क्रिया हो गई। यहाँ इस क्रिया का असर सीधा कर्ता पे ही हो रहा है, जो उस काम को करने वाला है उस क्रिया का असर उसी पे हो रहा है, अर्थात ये कौन सा वाक्य होगा, अकर्मक वाक्य। कौन सा वाक्य होगा, ये अकर्मक वाक्य। अब आपको पहचानने में आ गया बच्चों कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे अभी लिखना, खाना, पीना, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो हमें किसी चीज की
जरूरत होगी, खाएंगे तो किसी चीज की जरूरत होगी, तो ये क्रिया क्या होती है, सहकर्मक क्रिया होती है। कुछ काम होते हैं अपने आप होते हैं, जैसे हंसना है, ये काम अपने आप होते हैं, तो यहाँ हम इन्हें कौन सी क्रिया कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब इसके बाद देखिए बच्चों, सहकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला है एककर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, एककर्मक जिसमें एक ही कर्म हो, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। बच्चों समझ में आ रहा है? अब देखिए इसके उदाहरण देखिए, अनन्या व्याकरण पढ़ रही है, अनन्या क्या कर रही है, व्याकरण पढ़ रही है, विनोद चित्र बना रहा है। अब यहाँ देखिए कर्ता पहचानिए, सबसे पहले अनन्या और विनोद करता है, क्रिया क्या है, पढ़ रही है और बना रहा है, और क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है, और क्या पढ़ रही है, व्याकरण पढ़ रही है, तो ये इनके कर्म है। यहाँ कर्म एक ही है इसलिए इसे एक कर्मक कहेंगे, कौन सी क्रिया कहेंगे, एक कर्मक क्रिया कहेंगे। अब जब हम कर्म पहचानते हैं तो क्या, किसे, किसको, कई बार कहां से भी आंसर आता है। जैसे वह जयपुर जा रहा है, तो वह कहां जा रहा है, जयपुर जा रहा है, तो उसके जाने का असर कहां हो रहा है, जयपुर पे। तो इस तरह से कई बार कहां से भी आंसर आता है, तो जब भी हमें कर्म पहचानना हो, क्या, किसे, किसको या कहां से, अगर आंसर निकल रहा है तो वह वाक्य में कर्म है। जहां एक आंसर निकल रहा है वह एक कर्मक क्रिया है। अब इसी तरह देखिए द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, दो कर्म होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, महेश ने पिता को पत्र लिखा, यहां देखिए कर्ता क्या है, कर्ता है महेश, क्रिया क्या है, लिखा। अब महेश ने किसको लिखा, पिता को, किसको से आंसर आ गया, क्या लिखा, पत्र लिखा, तो यहाँ ये दोनों कर्म है, तो दो कर्म है, इसीलिए ये कौन से उसमें आएंगे, द्विकर्मक क्रिया में आएंगे। जहां दो कर्म हो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। अब दूसरा उदाहरण देखिए इसका, मोहन ने शाम को मकान बेचा, मोहन क्या है, करता है, क्रिया क्या है, बेचा, किसको, शाम को, और क्या बेचा, मकान बेचा, तो यहाँ ये दोनों क्या है, कर्म है, इसलिए कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी, कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। अब बच्चों एक बार वापस से देखिए कि क्रिया के भेद किसकी आधार पर होते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, और रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इसी प्रकार कर्म के आधार पर जो क्रिया के दो भेद होते हैं, सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, उसमें सहकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सहकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब बच्चों इसमें आप जब इसका मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको डायग्राम बनाया था उसके आप उससे देखेंगे आप, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब आज आप इन क्रिया के वाक्यों को पढ़ेंगे, अपनी पुस्तक में इनको पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्रिया के भेद पढ़े, उसमें हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद विस्तार से पढ़े। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद, इसी को कहते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब इसमें देखते हैं बच्चों हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। मूल क्रिया का मतलब होता है जो क्रिया अपने आप में संपूर्ण है, जैसे खाना पीना रोना चलना आदि, ये सब मूल क्रिया कहलाती है। अब यौगिक क्रिया देखिए, यौगिक क्रिया वो होती है जिनमें हमें अन्य शब्दों का सहारा लेना होता है या वो शब्द भी उसमें जुड़े हुए रहते हैं। जैसे देखिए चलना से बना चलाना, चलना मूल क्रिया है लेकिन चलाना
ये नई क्रिया बन गई। जैसे जा गिरा, वह भी एक क्रिया है और गिरना भी एक क्रिया है, दोनों को मिलने से नई क्रिया बन गई है जा गिरा। पढ़ता रहा, पढ़ना क्रिया है और रहा भी क्रिया है, तो ये दोनों शब्द मिल गए यहाँ। जहाँ दो क्रिया मिलने से या नए शब्दों को जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक, यौगिक का मतलब योग यानी जोड़, जिसमें नए शब्दों के जुड़ने से क्रिया बनती हो वो यौगिक क्रिया कहलाती है, और जो अपने आप में क्रिया हो, संपूर्ण क्रिया हो, वह मूल क्रिया कहलाती है। अब यौगिक क्रिया के चार भेद हैं, मूल क्रिया के भेद नहीं है। अब यौगिक क्रिया के चार भेद हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है मिलना, जुड़ना, ठीक है। तो संयुक्त क्रिया जहाँ दो क्रिया जुड़ रही हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जा गिरा, काट लिया, बंद हो गया, खा लिया। अब यहाँ पर देखिए, खा लिया, खाना एक क्रिया है, लिया एक क्रिया है, इसलिए खा लिया दोनों मिलकर इसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। अगला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु का मतलब होता है बच्चों नाम किसे कहते हैं, संज्ञा को कहते हैं। तो ऐसे क्रिया शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनते हो उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब आप देखिए, लाज संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, लाज से लजाना क्रिया बन गई। हाथ संज्ञा शब्द है, उससे हथियाना एक क्रिया बन गई। इसी तरह आप सर्वनाम शब्द है, उससे अपनाना एक क्रिया बन गई। और इसी तरह जैसे मोटा, मोटा शब्द विशेषण है, मोटा से मुटियाना ये क्रिया। तो इनमें क्या होता है, जो क्रिया शब्द संख्या, सर्वनाम, विशेषण से बनते हो उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक मतलब किसी की प्रेरणा से जो कार्य किया जाता हो। यहाँ पर जैसे कि पढ़वाना, चलवाना, धुलवाना, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाए, वह क्या होता है, जैसे अध्यापक जी ने हमसे पाठ पढ़वाया, विद्यार्थियों को मैदान में चलवाया और धोबी से कपड़े धुलवाए गए, तो यहाँ काम करवाने वाला, जो करने वाला है वो किसी की प्रेरणा से काम कर रहा है और उससे काम करवाया जा रहा है। तो प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान है कि इसमें वाना जुड़ जाता है। कौन सा प्रत्यय जुड़ जाता है, वाना से वाये, वाई ये बन जाते हैं। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, काल यानी समय होता है, पूर्व यानी पहले। तो कुछ समय पहले एक काम किया गया हो और उसके बाद दूसरा काम किया गया हो, तो इस क्रिया में क्या होता है कि कर प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे चक्कर, पढ़कर, जाकर। मैं घर जाकर पिक्चर देखने जाऊंगा, पढ़कर मैं पाठ पढ़कर टीवी देखूंगा, चक्कर मैं आम चक्कर टॉफी भी खाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से जहां पर एक काम पहले हो और उसके बाद दूसरा कार्य किया जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब इसके भी देखिए चारों क्रिया की मैं आपको पहचान बता रही हूँ। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, दो क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया बनती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से, और प्रेरणार्थक क्रिया में वाना प्रत्यय आता है, पूर्वकालिक क्रिया में कर शब्द जुड़ता है। तो इस तरह से आप इन क्रिया को पहचान सकते हैं। अब बच्चों आपने पढ़ ली, एक बार वापस से मैं क्रिया का दोहरान करवाती हूँ। क्रिया कैसे कहते हैं, किसी भी काम का करना या होना, जिन शब्दों से इसका बोध हो कोई भी काम करने का या होने का, वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया के कितने भेद हैं, क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो है, सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सहकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, कौन कौन से हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। उसके बाद जो रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर जो क्रिया होती है उसके भी दो भेद हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया के फिर चार भेद हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप क्रिया जो पाठ है उसमें पीछे दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे, इसके उदाहरण के वाक्य भी पढ़ेंगे, समझ में आया, और उनको सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में
करेंगे। अब मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न पूछती हूँ। देखिए, सीता रोती है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? बताइए, सीता रोती है में क्रिया क्या है? रोती है। अब ये क्रिया कौन से क्रिया आएगी? सकर्मक है कि अकर्मक है? तो ये क्रिया अकर्मक क्रिया है। अगला है, मोहन गेंद से खेलता है, इसमें क्रिया क्या है? मैंने आपको बताया था कि वाक्य के शुरू में कर्ता होता है और वाक्य के अंत में क्रिया होती है, तो मोहन करता है और तो बताइए यहाँ क्रिया क्या है? खेलता है। उसकी बात सुन लो, इस वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। बात सुन लो, तो यहाँ सुन और लो दो आई, तो बताइए कौन सी क्रिया होगी? जहां दो क्रिया होती है वहां कौन सी होती है? संयुक्त क्रिया। आगे है, शिखा ने आशा से पत्र लिखवाया। अब बताइए जो इसमें जो लिखवाया है उसमें कौन सी क्रिया है? बताइए, पहचानिए, वाया किसमें आता है? प्रेरणार्थक क्रिया में। काम करते जाओ वाक्य में क्रियापद क्या है? तो काम कर्म हो गया और करते जाओ क्या हो गया? क्रिया। तो इसमें हो गया करते जाओ क्रियापद हो गया। अगला है कि नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? बताइए नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संख्या सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म से गर्माना, लाज से लजाना, थरथर से थरथराना। ठीक है, अब बच्चों इस तरह से आपको अपनी पुस्तक के प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं और उन्हें याद भी करना है।